गुड मॉर्निंग वंस अगेन। देखिए सेट्स हम पढ़ रहे थे, सेट्स में हमने अब तक पढ़ा सेट्स की प्रॉपर्टीज, टाइप ऑफ सेट्स, यूनियन एंड इंटरसेक्शन। देखिए वन इम्पोर्टेंट अगेन, कम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। हालांकि भी सिलेबस से खत्म हो गया है कम्प्लीमेंट, कम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट इस साल के लिए डिलीट कर दिया गया है, लेकिन क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो हम थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ शॉर्टकट में। कम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए का क्या मतलब है कि मान लीजिए कोई भी एक ऐसा सेट ए डैश, ऐसा सेट ए डैश ऐसे एलिमेंट्स जो यूनिवर्सल सेट को तो बिलोंग करते हो लेकिन एक्स को, ए को बिलोंग ना करते हो, एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है। क्या मतलब हुआ, देखिए ए डैश एक्स ऐसे सारे एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट को बिलोंग करते हो लेकिन ए को बिलोंग ना करते हो। क्या मतलब हुआ कि मान लीजिए आपको कोई यूनिवर्सल सेट गिवन है 1 2 3 4 5, मैंने कहा मेरे पास एक सेट है 2 3 ए, तो ए डैश कम्प्लीमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए डैश से, दिस इज द कम्प्लीमेंट ऑफ ए, कम्प्लीमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए डैश, यानी यू में से वो सारे एलिमेंट हटा दो जो ए में है, वो एलिमेंट जो ए को बिलोंग ना करते हो दैट आर ए डैश, तो 2 और 3 हट गए यानी 1 4 और 5, दिस इज ए डैश, ठीक है। तो नथिंग, ए डैश इज नथिंग बट ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर यूनिवर्सल सेट बट विच डज नॉट बिलोंग टू दैट पर्टिकुलर सेट, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टीज कुछ बस शॉर्टकट में देख लीजिए, क्योंकि फिलहाल सीबीएसई ने इसको डिलीट कर दिया है आपके लिए, ठीक है। प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं इसकी, क्योंकि इसका हम यूज करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। प्रॉपर्टीज देखिए क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी कि अगर मैं किसी भी कम्प्लीमेंट का दोबारा कम्प्लीमेंट कर दूं तो वापसी वही सेट मिल जाता है। एग्जाम्पल में आप आसानी से देख सकते हैं कि हमने एक बार ए डैश निकाला 1 4 5, मैं दोबारा उसका डैश निकालूं तो क्या होगा, वापसी वही एलिमेंट सेम मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा सेकंड प्रॉपर्टी, हमारे पास जो 5 डैश है वो यू के इक्वल होता है और जो यू डैश है वो 5 के इक्वल। देखिए 5 डैश, 5 का मतलब है कोई एलिमेंट नहीं, अगर हम उसका डैश निकालेंगे मतलब वो सारे एलिमेंट जो 5 को बिलोंग ना करते हो, वो सारे एलिमेंट क्या हुए, यू। ऐसे ही यू डैश मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं, कोई भी एलिमेंट नहीं तो क्या हो गया, 5, ठीक है। किसी भी सेट का अपने कंप्लीमेंट के साथ यूनियन यू के इक्वल होता है और इंटरसेक्शन ऑलवेज 5 के इक्वल, यानी दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता और दोनों के एलिमेंट मिला के क्या बन जाता है, यू, ठीक है। और फिफ्थ, ए इंटरसेक्शन बी का डैश ए डैश यूनियन बी डैश के इक्वल होता है और ए यूनियन बी का डैश ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के इक्वल होता है, और ये ला डी मॉर्गन्स ला कहलाते हैं, इनका यूज होता है थोड़ा न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में। ये डी मॉर्गन्स ला है, यानी ए यूनियन बी का होल डैश ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश और ए यूनियन बी का होल डैश ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के इक्वल होता है। बाकी हम इसमें से कुछ नहीं करेंगे, एक दो क्वेश्चन आपको करना हो तो करके देख लेना, सिंपल टाइप के क्वेश्चन हैं, ठीक है, क्योंकि सिलेबस से रिमूव हो गए हैं तो हम इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पे चलते हैं, न्यूमेरिकल्स पे, यानी सेट से रिलेटेड जो हमारे पास प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं, उसके लिए हम कुछ फॉर्मूले डराइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। देखिए हमने अभी पढ़ा कि मान लीजिए मेरे पास ए और बी दो सेट हैं, यूनिवर्सल सेट यू के, लेट यू इज अ यूनिवर्सल सेट, मान लीजिए यू कोई भी मेरे पास यूनिवर्सल सेट है एंड ए एंड बी आर टू सबसेट्स, ठीक है, इस यूनिवर्सल सेट के टू सबसेट हैं, तो क्या होगा अगर मैं वेन डायग्राम बनाऊं, ये मेरे पास सेट ए और अगर ये डिसजॉइंट नहीं है तो ये मेरे पास सेट बी, ये सेट ए और ये सेट बी, ठीक है। अब अगर मैं इस पार्ट को शेड करूं, इस वाले पार्ट को, तो ये वाला पार्ट क्या है वास्तव में, ए इंटरसेक्शन बी, जो इधर वाला पार्ट है वो ए माइनस बी और जो इधर वाला पार्ट है वो बी माइनस ए। अब मैं अगर इस पूरे ए को ध्यान से देखूं, देखिए इस ए को, इस ए में दो हिस्से हैं, एक तो ए माइनस बी है और एक ए इंटरसेक्शन बी है, यानी इसमें वो सारे एलिमेंट होंगे जो ए माइनस बी में है और ए इंटरसेक्शन बी में है। अगर मैं सिर्फ उनकी काउंटिंग ले लूं, सिर्फ काउंटिंग, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एन, यानी ए के जो एलिमेंट है, एन ए के एलिमेंट वो किस किस के इक्वल है, एन ए माइनस बी के और प्लस एन ए इंटरसेक्शन
बी के। देखिए इस ए में जो पूरे एलिमेंट्स हैं वो ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल है, यानी यहां से मुझे फॉर्मूला मिला एन ए माइनस बी का, यानी एन ए माइनस बी इज इक्वल टू एन ए और माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, दिस इज फर्स्ट फॉर्मूला। ठीक है, ए माइनस बी का मतलब क्या है कि एलिमेंट्स विच आर इन ए बट नॉट इन बी। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कैसे होगी कि मान लीजिए ए आर द स्टूडेंट्स विच लाइक मैथ्स एंड बी आर द स्टूडेंट्स विच लाइक फिजिक्स, तो द स्टूडेंट विच लाइक मैथ्स बट नॉट फिजिक्स आर द स्टूडेंट्स which are in A minus B. So we have to find out number of N A minus B. Then we will use this formula similarly. ये first formula. Second, बिल्कुल similarly, N B minus A. N B minus A is equal to क्या होगा? N B और minus N A intersection B. बिल्कुल same हम ऐसे ही prove कर सकते हैं. ठीक है, अगर मैं दोनों को, अब देखिए ये जो दोनों का पूरा पूरा पार्ट है, ये पूरा पूरा पार्ट, ये क्या है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी है भाई, ये पूरा और ये पूरा। तो अगर मैं ए यूनियन बी निकालूं, एन ए यूनियन बी, तो उसमें क्या मिलेगा, एक तो ये एन ए माइनस बी, एक ये एन ए इंटरसेक्शन बी और एक ये प्लस एन बी माइनस ए। ठीक है, देखिए ये पूरा क्या है, यूनियन ए और बी का यूनियन है, ये ए है ये बी है, ए और बी का यूनियन पूरा ये है, इसके तीन पार्ट हैं, ये और ये, तो यानी ए यूनियन बी में तीनों पार्ट आएंगे। तो मैंने तीनों लिख दिए एन ए माइनस बी, एन ए इंटरसेक्शन बी, एन बी माइनस ए। एन क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। देखिए बी माइनस ए का मतलब है एलिमेंट्स और एन बी माइनस ए का मतलब है ओनली नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वो एलिमेंट्स कितने हैं काउंटिंग में। ठीक है, इनकी वैल्यू मैंने पुट कर दी एन ए माइनस बी, यानी एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी और प्लस एन बी माइनस ए की वैल्यू एन बी और माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, इससे ये कैंसिल हो गया, यानी एन ए प्लस एन बी और माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला to find out NA union B. NA union B वास्तव में क्या शो करता है, at least one को जो select करता हो, अगर A maths वाले student हैं और B physics वाले, तो A union B वो है जिनके पास maths भी है, या तो maths है या तो physics. NA union B का मतलब क्या हुआ, ऐसे student जिनके पास या तो maths है या तो physics, या दूसरे words में हम ये कह सकते हैं कि कम से कम एक subject जरूर है, either maths और physics, तो either or में A union B find out करते हैं, एटलीस्ट वन में ए यूनियन बी फाइंड आउट करते हैं और एनी वन में ए यूनियन बी फाइंड आउट करते हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम में जहां सेंटेंस लिखा हुआ होगा वहां आपको अपने आप जज करना पड़ेगा कि आपको क्या यूज करना है। तो दिस इज फॉर्मूला फॉर एन ए यूनियन बी, दिस इज फॉर एन बी माइनस ए और दिस इज फॉर एन ए माइनस बी। ठीक है, अब अगर मान लीजिए हमारे पास तीन एलिमेंट, तीन सेट्स हैं ए बी और सी, उनमें हमें यूनियन फाइंड आउट करना है। मान लीजिए मेरे पास सेट दो नहीं है, सेट है तीन, हालांकि तीन सेट का सबसे आसान मेथड वेन डायग्राम है, लेकिन फिर भी एक डायरेक्ट फॉर्मूला देखिए, लेट ए बी एंड सी, अब मेरे पास तीन सेट हैं, यूनिवर्सल सेट ए बी एंड सी आर थ्री सबसेट्स। ठीक है, सो एन ए यूनियन बी यूनियन सी, ये किसके इक्वल होगा, मैंने क्या किया दो सेट को एक साथ कर लिया, एन ये ए तो मैंने रखा एक साथ और यूनियन और बी यूनियन सी को कर दिया एक साथ। अभी वही फॉर्मूला बन गया सेम जो यहां था, मैंने तीन एलिमेंट को कन्वर्ट कर दिया दो एलिमेंट्स में, तो क्या होगा इज इक्वल टू एन ए फर्स्ट एलिमेंट प्लस एन बी यूनियन सी, ये सिंगल एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट और माइनस एन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। क्योंकि क्या फॉर्मूला है हमारे पास, देखिए फॉर्मूला क्या है, एन ए यूनियन बी का फॉर्मूला है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, तो एन ए प्लस एन बी, ये ए ये बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ यूनियन, सॉरी यहाँ यूनियन है और यहाँ इंटरसेक्शन है। ठीक है, अब मैंने फिर ओपन किया एन ए प्लस एन बी यूनियन सी को इस फॉर्मूले से, तो एन बी प्लस एन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी और माइनस एन, यहां हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई सेट्स की, जो इंटरसेक्शन है इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन, तो मैंने यूनियन पे इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यानी ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन ए इंटरसेक्शन सी।
अब यहां अगेन दो सेट का यूनियन, एक सेट पूरा ये और एक सेट पूरा ये, हमने फिर यही फॉर्मूला लगाया दो सेट के यूनियन का, क्या मिला, तो इज इक्वल टू ये एन ए एज इट इज प्लस ये एन बी एज इट इज प्लस एन सी एज इट इज माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी एज इट इज। यहां हमने अगेन देखिए, मैं कहता हूं कि ये पूरा एक्स है, ये पूरा वाई है, तो एक्स यूनियन वाई यानी एन एक्स, इसका मतलब एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन वाई यानी एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए एक्स इंटरसेक्शन वाई यानी ए यूनियन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। फिर ओपन किया तो एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट ओपन माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी। अब यहां देखिए ए यूनियन बी का ए यूनियन सी के साथ इंटरसेक्शन, दोनों में ए कॉमन है, यानी एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एन ए यूनियन बी यूनियन सी। तो अगर तीन एलिमेंट है मेरे पास तो उन तीन का यूनियन निकालने का फॉर्मूला एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए और माइनस 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 प्लस प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द यूनियन अमंग द थ्री। नाउ अब अगर मेरे पास ए माइनस बी था, इसका मतलब क्या है लिटरल मीनिंग एन ए माइनस बी का, देखिए एन ए माइनस बी मेरे पास कोई भी एक सेट है लेट एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। भाई ए माइनस बी का मतलब ये है कि हमारे पास कोई भी ऐसा सेट कि एक्स ए को तो बिलोंग करता हो लेकिन बी को बिलोंग ना करता हो, अगर कोई भी बी को बिलोंग नहीं करता है तो नेसेसरली इट विल बिलोंग बी डैश। भाई अगर कोई भी एलिमेंट बी को बिलोंग नहीं करेगा इसका मतलब कहां चला गया है वो बी डैश में, क्योंकि बी और बी डैश दोनों ही तो मिलकर बी को बनाते हैं, बी और बी डैश दोनों मिलकर यूनिवर्सल सेट को बनाते हैं, मतलब कोई एलिमेंट या तो बी में होगा, अगर वो बी में नहीं है तो कहां होगा बी डैश में होगा, ठीक है। अगर वो बी डैश में है और ए में भी है दोनों में है, एंड का मतलब क्या हुआ इंटरसेक्शन, इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी डैश। हमने क्या लिया था एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी, आ क्या गया एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी डैश, इंप्लाइज हम ये कह सकते हैं कि जो ए माइनस बी है वो ए इंटरसेक्शन बी डैश को रिप्रेजेंट करता है, और हम ये भी कह सकते हैं कि जो एन ए माइनस बी है वो एन ए इंटरसेक्शन बी डैश को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यानी जहां हमें एन ए इंटरसेक्शन बी डैश निकालना होगा उसका मतलब भी एन ए माइनस बी है, और अगर एन ए माइनस बी निकालना है और हम एन ए इंटरसेक्शन बी डैश आसानी से निकाल सकते हैं तो वो सेम है। ऐसे ही एन बी माइनस ए इज इक्वल टू एन बी इंटरसेक्शन ए डैश, इनको हम यूज करेंगे डायरेक्टली कुछ प्रॉपर्टीज को प्रूव करने में, हालांकि जो कंप्लीमेंट वाली प्रॉपर्टीज हैं फिलहाल सीबीएसई ने डिलीट कर दी हैं, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज रनिंग में हैं तो एक दो प्रॉपर्टीज को छोड़ेंगे नहीं, वहीं हैंड टू हैंड करा देंगे, ठीक है। अब हम इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को लेंगे। देखिए एक्सरसाइज अपनी 1.5 आपको अपने आप करनी है, जितना भी आप देखना चाहें एग्जाम में नहीं आएगी, सीबीएसई के डिलीटेड पोर्शन में है। एक्सरसाइज देखिए 1.6 छोटी छोटी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है और सारे की सारी एक ही फॉर्मूले पे हैं एन ए यूनियन बी पर, सब कुछ एक ही फॉर्मूले पे है पूरी एक्सरसाइज में। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स एंड वाई आर टू सेट सच दैट एन एक्स इज इक्वल टू दिस एन वाई एन एक्स यूनियन वाई एन एक्स इंटरसेक्शन वाई पूछा है, तो सिंपल एकदम एक ही फॉर्मूला यूज करना है, सिंपली इस फॉर्मूले को आप रट लीजिए बार बार आएगा, एक ही फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, बाद में प्रोबेबिलिटी में भी आपको परेशान करेगा कि एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ एक्स वाई में है तो एक्स वाई में कन्वर्ट कर दीजिए एन एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई और माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, ठीक है। अब जो जो दे रखा है पुट कर दीजिए, यूनियन गिवन है, यूनियन गिवन है कितना 38, तो ये हो गया 38 इज इक्वल टू एन एक्स गिवन है कितना
17, एन वाई गिवेन है कितना 23, और पूछा क्या है एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, फाइंड आउट कर दीजिए। तो 38 माइनस 40 माइनस का एन एक्स इंटरसेक्शन वाई माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस का एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू 2। सिंपल प्रॉब्लम एकदम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। गिवन है डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स, ए गिवन है ए, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स सेटिस्फाइज एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो। ए के एलिमेंट लिखिए क्या क्या होंगे, इसके फैक्टर क्या क्या होंगे, x माइनस सिक्स, एक्स माइनस टू, यानी 6 और 2 इसके एलिमेंट्स हैं। हमने क्या किया, सेट बिल्डर फॉर्म से उसको रोस्टर फॉर्म में ले आए, आसान होगा। b क्या है, b है 2, 4, 6, c क्या है 2, 4, 6, 8 एज सो ऑन, d क्या है ओनली 6। अब बताना है कौन किसका सबसेट है। देखिए d में एक ही एलिमेंट है 6, यहां भी है यहां भी है यहां भी है, इसका मतलब d सबका सबसेट है। पहली बार D इज अ सबसेट ऑफ C, A D इज अ सबसेट ऑफ B और D इज अ सबसेट ऑफ C, पहली बार, ठीक है। तीन तो ये हो गए। अब देखिए, ये किसी का सबसेट नहीं हो सकता C, क्योंकि इनफाइनाइट सेट है। अब 2, 4, 6 किस में है, C में, यानी B इज अ सबसेट ऑफ C, A में है 2, 6, तो A B का भी सबसेट है और A C का भी सबसेट है, बस बात करता हम, ठीक है। ट्रू और फॉल्स, देखिए हमने एग्जाम्पल ले लिया, हम कहते हैं कि ए है मेरे पास 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, पार्ट नंबर 1 है, मैंने कहा कि मेरे पास ए कोई सेट है जिसमें एक ही एलिमेंट है 1। बी में क्या है, बी में मेरे पास 2 एलिमेंट है, एक तो 1 है और दूसरा 2 है। देखिए 1 एलिमेंट नहीं है, 1 पूरा सेट है, है ना, जो इसका एलिमेंट है, ठीक है। अब देखिए क्या है, एक्स, एक्स को मैंने मान लिया 1 कि लेट एक्स इज इक्वल टू 1। अब क्या है, एक्स बिलोंग्स टू ए है, देखिए 1 ए को बिलोंग करता है, और क्या है, ए बिलोंग्स टू बी है, ए बिलोंग्स टू बी, क्योंकि ए का पूरा एलिमेंट 1 है, जो पूरा एलिमेंट यहां है, लेकिन एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी है, क्यों, 1 बी का एलिमेंट नहीं है, तो यहां लिख देंगे हम फॉल्स। क्या लिख देंगे, फॉल्स, और फॉल्स के लिए हमें क्या देना है, एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, अपनी मर्जी से ऐसे ही एग्जाम्पल देने हैं, इन सभी को आप सॉल्व करके देख लेंगे 6 तक, ना हो तो पूछ लेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पूरी एक्सरसाइज का, ठीक है। देखिए, लेट ए बी सी बी द सेट सच दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी सो दैट बी इज इक्वल टू सी। दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है, क्या गिवन है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। टू प्रूव, क्या हमें प्रूव करना है कि बी इज इक्वल टू सी, प्रूव, देखिए हमने यूनियन से उठाया, हमें गिवन क्या है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी। हमने क्या किया, हमने दोनों तरफ सी का इंटरसेक्शन लगा दिया, दोनों तरफ सी का इंटरसेक्शन, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी। यहाँ इंटरसेक्शन है, डिस्ट्रीब्यूटिव होगा, यानी ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब देखिए, ए यूनियन सी का सी के साथ इंटरसेक्शन, देखिए ए यूनियन सी में वो एलिमेंट है जो ए में भी है और सी में भी है, सी में वही एलिमेंट है जो सी में है, और दोनों का इंटरसेक्शन का मतलब दोनों के कॉमन एलिमेंट, यानी किसके इक्वल हो गया, सी के, ठीक है। अब ए यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल है, ए इंटरसेक्शन बी के,
तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी और इज इक्वल टू सी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ब्रैकेट में हमने लिख दिया यहां, देखिए हमने क्या किया, ए इंटरसेक्शन सी को पुट कर दिया ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब हमने दोबारा फिर इसी को लिखा अगेन, एक बार हम सी से इंटरसेक्शन करेंगे एक बार बी से, तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी। यहां हमने सी के साथ इंटरसेक्शन किया था दोनों तरफ, इस बार हम बी के साथ इंटरसेक्शन कर देंगे दोनों तरफ, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी। यहां ए यूनियन बी का मतलब ए के भी सारे एलिमेंट बी के भी सारे, उसका बी के साथ इंटरसेक्शन बी के इक्वल कॉमन एलिमेंट, या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन सी इंटरसेक्शन बी। लेकिन सी इंटरसेक्शन बी जो इंटरसेक्शन है दैट इज कम्यूटेटिव, हम ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, यानी बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखिए ये फर्स्ट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये सेकेंड ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, बोथ आर सेम, इफ बोथ आर सेम देन बी इज इक्वल टू सी, देन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड बी इज इक्वल टू सी। देखिए ये और ये सेम है, ये और ये बोथ आर सेम, तो ये दोनों भी तो सेम होंगे, सी और बी, एक बी के इक्वल है और एक सी के इक्वल है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, इसको आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए, सो दैट द फॉलोइंग फोर कंडीशन आर इक्विवेलेंट, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सिर्फ आपको एलिमेंट को मानते हुए जाना और प्रूव करना है। देखिए जैसे मैं कुछ कर देता हूं थोड़ा सा, इंपोर्टेंस बी इज अ सबसेट ऑफ सी माइनस ए, देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, देन टू प्रूव, क्या हमें प्रूव करना है कि सी माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ सी माइनस ए। देखिए हमने क्या किया, हमने कोई भी एक एलिमेंट ले लिया एक्स और मान लिया कि वो सी माइनस बी को बिलोंग करता है, लेट एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस बी, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस बी का इम्प्लाई एक्स बिलोंग्स टू सी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, सी माइनस बी का मतलब क्या हुआ, अब इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू सी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, अगर वो बी को बिलोंग नहीं करता है तो ए को बिल्कुल बिलोंग नहीं करेगा, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, क्यों, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, अगर वो बी में नहीं है तो ए में कैसे हो सकता है, ए में तो सिर्फ वही एलिमेंट है जो बी में है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर वो ना सी को बिलोंग करता है और ए को बिलोंग नहीं करता है तो इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस ए, हम लेके क्या चले थे सी माइनस बी, आ क्या गया सी माइनस ए, इम्प्लाइज सी माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ सी माइनस ए, हैंस प्रूफ, ठीक है। इतना सा पार्ट है आपका, चलिए नेक्स्ट देखिए, ए इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी, हमें प्रूव करना है कि ए इज इक्वल टू बी, देखिए अगर ये पावर सेट है तो ये सबसेट का सेट होता है, सबसेट का सेट, ठीक है। हमने मान लिया कि लेट एक्स है कोई इसका सबसेट, एक्स बिलोंग्स टू एक्स इज अ सबसेट ऑफ पी, हमने मान लिया कि इसका कोई सबसेट है एक्स, पी ए का सबसेट है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू पी ए, अगर एक्स सबसेट है तो उसका जो एलिमेंट है वो किसको बिलोंग करेगा, पी ए को बिलोंग, सॉरी एक्स इज सबसेट ऑफ ए, एक्स इज अ सबसेट ऑफ ए, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स बिलोंग्स टू पी ए, लेकिन पी ए इज इक्वल टू पी बी, इसका मतलब x belongs to pb, भाई pa is equal to pb, इसका मतलब x belongs to pb, और अगर x pb को belong करता है, इसका मतलब क्या हुआ कि पार्ट नंबर फर्स्ट वी हैव टू प्रूव a is equal to a intersection b union a minus b, हमने राइट हैंड साइड को उठाया, राइट हैंड साइड इज a intersection b union a minus b, देखिए मैंने अभी प्रूव किया था स्टार्टिंग में कि हम a माइनस बी को a इंटरसेक्शन b डैश लिख सकते हैं, हमने वही लिखा, तो a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b को हमने लिख दिया a इंटरसेक्शन b डैश, और यहां लिख दिया बिकॉज
ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी डैश। अब देखिए क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर यूनियन, हमने कंबाइंड कर दिया, क्या किया तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी डैश, ठीक है। अब ए यूनियन बी यूनियन बी डैश क्या हो गया, यू, क्योंकि किन्हीं भी दो एक सेट और उसके कंप्लीमेंट्री का यूनियन हमेशा इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, यहां इंटरसेक्शन और यहां यूनियन, ठीक है। अब ठीक है, देखिए ए इंटरसेक्शन तो क्या मिला हमें, बी और बी डैश का यूनियन, बी और बी डैश का यूनियन क्या हो गया हमारे पास यू, और ए का किसी भी के साथ यूनियन किसके इक्वल होगा हमेशा ए। फिर दोबारा देख लीजिए एक बार, ए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डैश, हमने क्या किया ये इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट हुआ है यूनियन पर, तो हमने इसको वापसी कर दिया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी डैश। देखिए अब इसको ओपन करेंगे तो वही मिलेगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डैश। अब बी यूनियन बी डैश यूनिवर्सल सेट यू, और यू का किसी भी सेट के साथ इंटरसेक्शन ऑलवेज वही सेट ए, बस ऐसे ही सेकंड पार्ट प्रूव कर देना है। क्वेश्चन नंबर देखिए नाइन देखिए, आज ही प्रॉपर्टी वाले खत्म कर लो, बस फिर न्यूमेरिकल लगाएंगे सिंपल से, चैप्टर फिनिश। क्वेश्चन नंबर 9 गिवन है, वी हैव टू प्रूव दैट ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, फर्स्ट पार्ट ए यूनियन, दिस इज यूनिवर्सल सेट यू, ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन यू और किसी का भी यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन ऑलवेज ए के इक्वल होता है, ऐसे होगा, ठीक है। ऐसे यहां हम फाइव लेंगे, यहां हम क्या लेंगे फाइव। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में ऐड कर लेना इसको, दोनों पार्ट को रिकरेक्ट कर लेना, फिर दोबारा देख लीजिए एक बार, ए ए को हमने लिखा था कि यहां इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन हम लगाएंगे यू के साथ, ये यूनिवर्सल सेट है, फिर हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई, ये इंटरसेक्शन कॉमन, ए यूनियन यू यूनियन बी, और यू का किसी के भी साथ यूनियन ऑलवेज यू के इक्वल, और यू का किसी के भी साथ इंटरसेक्शन ऑलवेज वही सेट ए। ऐसी सेकंड पार्ट में अब की बार मुझे यूनियन बनाना है, तो मैंने इसको ए यूनियन फाई लिखा, क्योंकि फाई का किसी के भी साथ यूनियन ऑलवेज ए के इक्वल, ठीक है। अब इसमें ए और यूनियन कॉमन, तो फाई इंटरसेक्शन बी, फाई इंटरसेक्शन बी फाई के इक्वल, क्योंकि फाई का किसी के भी साथ इंटरसेक्शन फाई, और फिर ए यूनियन फाई, फाई का किसी के भी साथ यूनियन ए, दिस इज द करेक्ट।